जसपुर में उलेमाए द्वारा मुस्लिम महिलाओं को लेकर कुछ 28 फरमान जारी किए गए हैं, जिसमें अधिकतर में महिलाओं की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे महिलाएं मोबाइल यूज ना करें, इंटरनेट भी यूज ना करें और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना हो। साथ ही मेले में जाना बंद होगा और मैरिज हॉल में बुर्के पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा कुछ और अच्छे बिंदु भी हैं, जैसे दहेज पर रोक लगा दी गई है और पति द्वारा तलाक देने पर उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और भी फरमान जारी किए गए हैं जो आप इन 28 बिंदुओं में देख सकते हैं। वहीं इस फरमान को लेकर सदर मौलाना साजिद रजा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हर समाज से बुराइयां खत्म की जानी चाहिए। लड़कियों द्वारा लड़कों का स्वागत किया जाता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो माताओं और बहनों को गलत नजर से देखते हैं और इसीलिए किसी भी समारोह में स्वागत खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में औरतें और आदमी एक साथ खाना खाते हैं। कुछ लड़के शरारती होते हैं, इसलिए ये नियम बनाया गया है कि लड़कियों का खाना अलग हो और लड़कों का खाना अलग होना चाहिए। नेट जो लड़की हमारे इस्तेमाल कर रही हैं, फेसबुक पर जब से गंदी वीडियो आई हैं और यूट्यूब पर जब से गंदी वीडियो आई हैं, हम नहीं चाहते किसी की बहन बेटी उन वीडियो को देखे। इसलिए हमने कहा है कि नेट का इस्तेमाल करना अपनी बेटियों के लिए बंद करें, जरूरत के मुताबिक उन्हें मोबाइल। जहाँ सरकार समान नागरिकता कानून लागू करने की बात कर रही है, उसी बीच में एक ये है जिस तरह का 28 बिंदु का ये एक पूरा फरमान है, उसमें उससे कैसी तुलना करते हैं आप? 28 बिंदु को फरमान आप अगर पूरा पढ़े तो आपको पता चलेगा इस बारे में कि हमने मुआशरे में होने वाली जो खराबियां हैं उन पर पाबंदी लगाई है। हमने जहेज पर पाबंदी लगाई है, इसलिए जहेज की वजह से न जाने कितनी गरीब बेटियां अपने घरों में जवानी में सिस्कियां ले रही हैं, हमें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और खाने के नाम पर आप देखिए 15-15, 20-20 किस्म का खाना चल रहा था, हमने उस पर पाबंदी लगाई कि नहीं बस एक किस्म का खाना करें, जहेज के माँ खत्म करें। रिश्ते में इतनी चीजें चल रही थी कि पहले लड़के को सोना चांदी दिया जाता है, फिर उसकी माँ को सोना चांदी दिया जाता है, हमने कहा कि ये सोना चांदी लड़के को उसकी माँ को भी देना बंद करें, बस रिश्ता करें और डायरेक्ट शादी करें। उस पर हमने ये भी पाबंदी लगाई। 28 बिंदु में आप देखेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि खड़े होकर खाना ये किसी भी तरीके से और किसी धर्म में भी अच्छा नहीं समझा जाता। और हमें यहाँ तो शरीय तौर पर भी इसको मना लिखा गया है कि शरीर खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए, बैठकर खाना चाहिए। हमने उस पर ये भी पाबंदी लगाई। स्वागत के नाम पर जो गुंडागर्दी होती हुए उस पर हमने पाबंदी लगाई है। हमने इन तमाम चीज़ों को अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए, बहनों की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया है। और जहाँ तक मेरा जहन काम करता है हर समाज इसको अच्छा समझेगा, इसलिए ये किसी के लिए नहीं है बल्कि बहन बेटियों की हिफाजत के लिए। जिस तरह से कि केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर भी प्रतिबंध लगाया है, उसे बैन कर दिया गया है, उस बीच में इस चीज को देखा जाए तो आप उसे कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? अच्छा, हाँ, आपने सवाल जो किया वो बड़ा अच्छा किया। उस 28 बिंदु में एक बिंदु ये भी है, हमने उसमें लिखा है कि अगर किसी की बहन बेटी को अगर किसी ने तलाक दी बगैर किसी शरीय वजह के, तो हम उसका सोशल बायकॉट करेंगे समाज से। जो इन 28 बिंदुओं को नहीं मानेगा उसके लिए आपने क्या कुछ ऐसा शर्त रखी? हाँ, जो इन 28 बिंदुओं को हमारे नहीं मानेगा, मतलब अपनी चलाएगा, मुआशरे से खराबियों को मिटाने के लिए तैयार नहीं होगा, मुआशरे में गुंडागर्दी फैलाएगा, मुआशरे में गुंडागर्दी के तवाब अपनी ताकत और माफिया गिरी अगर करेगा, तो हमने उसके लिए आवाज़ उठाई है कि हम उसका निकाह, ऐसी शादी में शरीक नहीं होंगे, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहाँ गुंडागर्दी होती होगी। आपका नाम और क्या है पद? मेरा नाम मोहम्मद साजिद रजा है। मैं उत्तराखंड के मरकजी दारा जामिया बदरुल उलूम का खादिम हूँ और यहाँ एक शहर इमाम की हैसियत रखता हूँ। ये थे हमारे साथ साजिद रजा, जो कि यहाँ के इमाम हैं, जिन्होंने ये पूरा एक फरमान जारी किया था। इनके साफ तौर पर कहना है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने जारी किया गया है, न कि उनकी एक आजादी के आजादी को प्रतिबंध लगाने के लिए। वहीं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो का कहना है कि ये जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है ये महिलाओं की आजादी पर हनन है, वो इस मामले को लेकर आयोग में जाएंगी। जैसे कि जसपुर में तुगलकी फरमान जारी किया मौलवियों द्वारा, उसमें जो है महिलाओं के लिए बहुत ही बंदिश लगाई गई है। उसमें जो है पर्दा प्रथा को जोड़ दिया गया है और मोबाइल और फेसबुक पर इसका यूज नहीं कर सकती है और कॉलेजों में बुर्का पहन के जाना होगा लड़कियों को, और हल्दी की जो प्रथा है वो खत्म करी जाएगी, और क्या कहते जो शादियों में जो खाना है वहाँ पे भी जो पुरुष और महिलाएं जो है अलग अलग खाना है, और 28 बिंदुओं पर मतलब रोक लगाई है। तो ये तो एक तरह से जो है
मुस्लिम जो महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाना है तो ये एक अन्याय होगा, उसका विकास नहीं होगा और महिला जो है महिला वर्ग का कोई भी विकास नहीं होगा, उनका उत्थान नहीं होगा, इससे सामाजिक विकास रुक जाएगा और मुस्लिम महिला जो है वो एकदम पिछड़ी रहेगी। तो ये एक अन्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण वो बिंदुओं पर विचार किया गया है और मैं अनुरोध करती हूँ इन बिंदुओं पर दोबारा विचार किया जाए और इन बिंदुओं को खत्म किया जाए। धन्यवाद। इस तरह से कि केंद्र सरकार के द्वारा एक मुस्लिम महिलाओं के लिए अभी स्थापना 3 तलाक को तो खत्म किया गया, लेकिन एक ये जिस तरह से महिलाओं पर थोपा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को जलन, इसमें क्या आपको जलना हो रहा है? आप 3 तलाक की मुख्य याचिका करता रहेंगे, आपके द्वारा जीत हाथ में? नहीं नहीं, ये तो फिर 3 तलाक की कुप्रथा थी तो जो है महिलाओं को आजादी मिली और फिर बाद में ये जो सब कुछ जो 28 बिंदु है इस पे जो है पाबंदी लगाई गई, उनकी आजादी पे पाबंदी लगाई गई, तो ये सब गलत है, इससे वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, वो अपने समाज को और देश विदेश को नहीं जान सकती हैं कि क्या हो रहा है आज के जमाने में, जबकि उनको मतलब इस दुनिया के बारे में समाज के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है, तो वो सब कुछ नहीं जान पाएंगी, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगी और इस तो बाल विकास नहीं हो पाएगा, तो ये सब समाज को प्रभावित करेगा, मुस्लिम जो समाज वर्ग का विकास नहीं हो पाएगा। और मैं तो यही कहूंगी इसलिए क्योंकि मुस्लिम जो है हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, हमारे देश से जुड़े हैं, तो हमारे देश का विकास भी रुक जाएगा। जिस तरह से कि एक ये पूरा मामला संज्ञान में आया, तो क्या महिलाओं के अधिकारों पर हनन नहीं है? आप राज्य आयोग से किस तरह की कार्रवाई और किस तरह से हमला लगाएंगे? मैं ये जो बिंदु लगाई गई है उस पर रोक लगाया गया है, पाबंदी लगाई है मुस्लिम महिलाओं के आजादी पर, तो मैं महिला आयोग से मतलब जो महिलाएं हैं मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे एप्लीकेशन लूंगी कि वो कितनी एंटी हैं इस मतलब दो बिंदुओं को लेकर, और फिर मैं उसको जो है अपने आयोग में दूंगी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी मैं उस पर पूर्ण कार्रवाई करूंगी। सोशल वर्कर और कोजी ब्यूटी एकेडमी के नाम से मैं एक संस्था चलाती हूँ। जहाँ तक बात है महिलाओं की आज़ादी को लेकर, आज़ादी का मतलब क्या है? अगर हम सही रास्तों पर जा रहे हैं तो हमें कोई बाउंड नहीं कर सकता। अगर हमारे बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं और जो 28 नियम कानून बने हैं तो काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ उससे, लेकिन उसको तोड़ मड़ोड़ के लोग पेश कर रहे हैं वो सही नहीं है। जैसे कि बच्चों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, अगर आपका बच्चा सही है और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है तो आप ध्यान रखिए आपके बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या हैं, और मैं इससे सहमत हूँ अगर आपका बच्चा गलत है और कहीं दूसरे वे पे जा रहा है तो आप उसको कंट्रोल करेंगे और ध्यान रखेंगे। वैसे जो नियम कानून बने हैं वो अपनी जगह सही हैं, इस्लामिक नज़रिए से वो ठीक है। आपके नज़रिए से क्या कहेंगे जो महिलाओं को लेकर के जो ये बिंदु किए गए? देखिए अगर सही इंसान है तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर किसी भी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कोई बुरा नहीं है बशर्ते उसे सही ढंग से किया जाए। मोबाइल का बैन देखिए सर, विद्यालयों में जाना इस्लाम की रूह से अगर मैं कहूँ तो मैंने जहाँ तक सुना है, वैसे मैं इतना ज्यादा जानकार नहीं हूँ इस्लाम की, बट मैंने सुना है इल्म हासिल करने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी इल्म हासिल कर सकते हैं बशर्ते हमारे रास्ते सही होने चाहिए, और सही रास्तों को आई थिंक नहीं मना किया गया है, और अगर कोई बच्चा गलत है तो उसके लिए पाबंदी माँ बाप भी लगाते हैं, समाज भी लगाता है। आई एग्री विद इसके साथ में हूँ। अब ये फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें ये भी कहा गया है कि अगर मुस्लिम समुदाय का सदस्य इन नियमों का पालन नहीं करता है तो जसपुर के सभी आलिम उसका बहिष्कार करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो इस तुगलकी फरमान पर रोक लगवा पाती हैं या नहीं। जसपुर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।